टीवी शो अनुपमा से घर घर में अपनी पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस रूपाली गांगुली इस वक्त काफी परेशानियों में घिरी हुई हैं। दरअसल हाल ही में एक्ट्रेस पर खुद को उनकी सौतेली बेटी कहने वाली एक लड़की ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि एक्ट्रेस का उनके पिता से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रहा है। वहीं विवादों को बढ़ता हुआ देख अब इस पर रूपाली गांगुली के पति अश्विन के वर्मा ने चुप्पी तोड़ी है। अश्विन के वर्मा ने इसके लिए अपने एक्स अकाउंट पर एक नोट लिखा है और कहा, मेरी पिछली शादी से बेटियां हैं जिनके बारे में कई बार मैं और रूपाली खुलकर बात कर चुके हैं। मैं उनकी बहुत परवाह भी करता हूं, साथ ही मैं ये भी समझता हूं कि मेरी छोटी बेटी को अभी भी अपने पेरेंट्स का रिश्ता टूटने का दुख है, क्योंकि तलाक बच्चों को भी बहुत नुकसान पहुंचाता है। अश्विन ने आगे लिखा, शादी टूटने की कई वजह होती है। मेरी पहली पत्नी के साथ मेरे रिश्ते में कई चुनौतियां थी, इसलिए हम अलग हो गए, लेकिन उन बातों का किसी और से कोई लेना देना नहीं था। मैं बस अपने बच्चों और अपनी पत्नी के लिए अच्छा चाहता हूं, और मुझे ये देखकर दुख होता है कि मीडिया किसी को भी नकारात्मकता के चक्र में घसीट रहा है। बता दें कि इससे पहले ईशा वर्मा नाम की एक लड़की ने सोशल मीडिया के जरिए रूपाली गांगुली पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने लिखा था कि जब भी मैं अपने पिता को कॉल करने की कोशिश करती हूं, वो चिल्लाने लगती है। उन्होंने मुझे और मेरी माँ को जान से मारने की धमकी भी दी थी। ये सही नहीं है कि वो अश्विन की असली जिंदगी बर्बाद करके मीडिया में दावा करे कि उनकी मैरिड लाइफ कितनी अच्छी है। वेल, अभी तक रूपाली गांगुली ने इस मामले पर कुछ नहीं कहा है। फैन इस आरोप पर उनके बयान का इंतजार कर रहे हैं। वेल, इस पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल हमारे इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।